हेलो दोस्तों, मैं अनु सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं अपने फ्रिज की और ओवन की दोनों की सफाई करती हूँ। उसके लिए मैंने अमेजोन से ही एक प्रोडक्ट मंगाया है जो कि रेफ्रिजरेटर और ओवन क्लीनर है, अर्बा कंपनी का। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। इससे सफाई करके मेरा जो फ्रिज है वो बिल्कुल चकाचक हो जाता है। चलिए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से इससे अपने ओवन को और फ्रिज को साफ करती हूँ। ये देखिए, ये मेरा फ्रिज है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गंदा है। तो चलिए अब हम इसको साफ़ करना शुरू करते हैं। अपने फ्रिज को साफ़ करने के लिए ये मैंने रेफ्रिजरेटर ओवन क्लीनर है, अर्बा कंपनी का, ये यूज़ करा है। अब हम सबसे पहले इससे पूरे फ्रिज में स्प्रे कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं पूरे फ्रिज में इसको स्प्रे कर दूँगी और फिर एक सूखा कपड़ा ले कर मैं इसको अच्छे से पोंछ दूँगी। हमें बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा अपना फ्रिज खाली कर लेना है और उसके बाद इसको साफ़ करना है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप जब भी फ्रिज को साफ़ करें तब उसको बंद कर दें, ऑन करके फ्रिज को साफ़ ना करें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, जब भी हम उसे साफ़ करते हैं तो उसको बंद कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं अपनी पूरे फ्रिज को इससे साफ़ कर लूँगी। अर्बा कंपनी के इस रेफ्रिजरेटर और ओवन क्लीनर से मेरा फ्रिज बहुत आसानी से और जल्दी साफ़ हो जाता है। हमें किसी भी चीज़ को निकाल कर उसको धोने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हल्का सा स्प्रे करिए और उसको पोंछ दीजिए। अब देखिए, मैं ये नीचे वाला जो पोर्शन है उसको भी साफ़ कर लूँगी। ये भी काफ़ी गंदा हो गया है, येलोइश हो रहा है बिल्कुल। ये मैंने स्प्रे कर दिया है और अब मैं कपड़े से इसको पोंछ दूँगी। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप इसे इजीली अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा फ्रिज है बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल नए फ्रिज की तरह शाइन कर रहा है ये। दोस्तों, ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पहले हमारा फ्रिज कुछ इस तरह का था और अब साफ़ करने के बाद ये कुछ इस तरह का हो गया है। अब चलिए हम अपना ओवन साफ़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना गंदा हो रखा है। अब मैं सबसे पहले ओवन को ऑफ़ कर दूंगी और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेटर और ओवन क्लीनर है उसको स्प्रे कर दूंगी। दोस्तों, यहाँ एक बात और शेयर करना चाहूँगी मैं। अगर आपका रेफ्रिजरेटर या ओवन बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप ओवन और रेफ्रिजरेटर क्लीनर स्प्रे करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि जो हमारा क्लीनर है वो अच्छे से उसके ऊपर काम कर सके और जो हमारा ओवन और रेफ्रिजरेटर है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैंने स्प्रे करने के बाद ओवन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और फिर उसको पोंछना स्टार्ट करा। बस हल्का सा कपड़े से पोंछ देने से ही ये बहुत आसानी से साफ़ हो रहा है। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा ओवन है वो भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। अर्बा कंपनी के इस रेफ्रिजरेटर और ओवन क्लीनर से मेरे फ्रिज और ओवन बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार अर्बा कंपनी के इस रेफ्रिजरेटर और ओवन क्लीनर को मंगाकर और उसको ट्राई करके ज़रूर देखें। ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अब लास्ट में मैं माई हॉल स्टोर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।